दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुका है 29 जनवरी 2019 और आज मंगलवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए आते हैं। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को न्यूज के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को महिला अफसर ने धमकाया और ये न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। मुझे अधिकारी नहीं दीदी बताना, तुमको सिर्फ यह कहना है कि दीदी अच्छी हैं, हमारे इनसे पारिवारिक संबंध है। जब हमने कई दिनों तक इन्हें परेशान देखा तो उनसे पूछ लिया क्या परेशानी है, तब उन्होंने बताया कि एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, हमें बार बार फोन कर धमकाया जा रहा है कि मेरे हक में बयान देना। खुद को कुंवारी बताकर सेना के मेजर के साथ ब्याह रचाने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला अधिकारी अब इस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होने वाले जाँच के लिए बयान देने की धमकी दे रही है। इनके खिलाफ 170 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को संभागीय कार्यालय में शिकायत की है। सभी ने कहा है कि शादी के प्रमाण पत्र पर उनके धोखे से साइन लिए गए हैं, अब बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिकारी धमकी देती थी, मेरे पति पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक पहुंच है, उनके कारण ही मैं एक ही जगह 13 साल से जमी हुई हूं, वरना 3 साल से ज्यादा कोई नहीं टिक पाता। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मुंबई से, आशा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अपनी मांग को लेकर बीएमसी की 200 से अधिक आशाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल शुरू रहेगी। हड़ताल कर रहे लोगों का एक शिष्टमंडल मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा। हड़ताल कर रहे आशा कर्मियों का कहना है कि इनके काम करने के समय को लेकर बीएमसी को निर्धारण करना होगा, क्योंकि इनके काम करने का समय कोई निश्चित नहीं किया गया है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का साल 2021 से कम 12,000 रुपए मानदेय मिले और उन्हें पेंशन के साथ मैटरनिटी लीव भी दी जाए। आशा कर्मियों की तरफ से बताया गया है कि इसके पहले पिछले साल भी अपनी मांग को लेकर हड़ताल शुरू की गई थी, तब एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला था। इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन वह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आशा कर्मी फिर से हड़ताल शुरू करने के लिए मजबूर है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, मानदेय के लिए सड़क पर उतरी आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे आंदोलन के क्रम में सोमवार को 8वें दिन आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर फूट गया। आशा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची और प्रदर्शनकारी शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष जमीर उन निशा ने कहा कि आशा कार्यकर्ता कम से कम 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में गठित टीम ने दिसंबर 2018 तक मानदेय जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब जनवरी भी बीतने वाला है, अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे हम सभी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसी तरह उपेक्षा करती रही तो लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों अगली बड़ी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जनपद की 274 आशा कार्यकर्ता निष्क्रिय, कैसे चले काम। जनपद में निचले पायदान पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आशा कार्यकर्ताओं का कार्य में मन नहीं लग रहा है। ऐसे में 250 से अधिक आशा कार्यकर्ता सरकार की मंशा पर पानी फेरने में लगी है। सरकारी अस्पतालों की लेचर व्यवस्था का पूरा फायदा आशा कार्यकर्ता उठा रही है, वह मरीजों को सरकारी अस्पताल में न ले जाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराकर मोटी कमाई कर रही है। कई बार महिला चिकित्सालय व प्राइवेट अस्पतालों में आशा कार्यकर्ता पकड़ी भी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बस उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। निचले पायदान की सबसे मजबूत कड़ी पर ही महकमे का नियंत्रण नहीं है, जिससे पात्रों को स्वास्थ्य सुविधाओं व योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, बिहार के आरा से 23 आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी सेविका की बहाली। प्रखंड क्षेत्र के 13 पंचायत के 23 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका सहायिकाओं का चयन की प्रक्रिया अब जल्द पूरी की जाएगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय भोजपुर द्वारा उद्वंत नगर की CDPO को इस बारे में पत्र जारी कर आम सभा का समय, स्थान व दिनांक निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उद्वंत नगर CDPO बिंदु सिन्हा ने आम सभा की जानकारी संबंधित वार्ड व पंच को पत्र भेज कर दी है। CDPO बिंदु सिन्हा ने बताया कि सरकारी निर्देश के अनुसार सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए बहाली में वार्ड अध्यक्ष व पंच उपाध्यक्ष हैं, इसलिए नियुक्ति की सारी प्रक्रिया से लेकर चयन पत्र देने का कार्य उनके पंचायत में पदस्थापित परियोजना कार्यालय की पर्यवेक्षिका की देखरेख में होगी। भर्ती का सारा कार्य वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा, यह 1 फरवरी से 20 फरवरी तक होगी। बहाली में पूरी सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है, साथ ही अधिकारियों को हिदायत भी दी गई है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही से, शासन की नजर में रहेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। शासन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर सीधे नजर रखेगा, इसके लिए जिले के सभी कार्यकर्ताओं को GPS से लैस मोबाइल दिया जाएगा। मोबाइल को कार्यकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, इससे मुख्यालय से ही उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। 1483 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 40 सुपरवाइजरों के लिए मोबाइल आ गया है, जिसका वितरण जल्द किया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से जिले
में 1483 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें गर्भवती एवं छोटे बच्चों को पोषणयुक्त आहार दिया जा रहा है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शुरुआती शिक्षा दी जाती है, लेकिन 50-60% आंगनबाड़ी केंद्रों का सिर्फ नाम के लिए संचालन हो रहा है। विभागीय तालमेल ऐसे केंद्र प्रभारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको देखते हुए शासन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को GPS लैस मोबाइल दे रहा है। विकास भवन के DPO कार्यालय में 1483 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 40 सुपरवाइजरों के लिए मोबाइल आ चुके हैं। एक सप्ताह के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को इसे वितरित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर से। किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र, एक साल से नहीं दिया किराया। भवन मालिक ने दिया खाली करने का अल्टीमेटम। नगरीय क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के नौनिहाल किराए के भवन में पढ़ने व खेलने को मजबूर है। इन भवनों को किराया भी पिछले एक साल से नहीं दिया गया है। भवन मालिक अब भवन खाली कराने का दबाव बना रहे। आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका परेशान है कि अब करें तो क्या करें। इस संबंध में परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विधायक राणा विक्रम सिंह और उनके निवास पर पहुंचकर आवेदन दिया और अपनी समस्या बताई। कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारियों के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भी सौंपा। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्री बस्ती से। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आधा दर्जन नर्सिंग होम पर की छापेमारी। नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान अभिलेखों की जाँच पड़ताल की। बिना वैध कागजात के दुकान चला रहे लोग अपने अस्पतालों को बंद कर फरार हो गए। सूत्रों की माने तो इकोना नगर में भ्रूण हत्या का धंधा लंबे समय से चल रहा है। चिकित्सक व ANM के अलावा आशा कार्यकर्ता भी नगर में किराए पर कमरे लेकर क्लिनिक चला रही हैं। इनका नेटवर्क काफी मजबूत है। अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को असुरक्षा का भय दिखाकर निजी क्लिनिक भेजा जाता है। इस प्रकार कमीशनखोरी भी होती है। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मानदेय भुगतान न होने पर आंगनबाड़ी ने दी चेतावनी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सोमवार को तहसील पहुंचकर एक प्रतिनिधि मंडल तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे से मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। मांगों के पूरा न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। जिला संरक्षक के साथ शशि गुप्ता ने मानदेय का तत्काल भुगतान करने, हॉट कुक में पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को Grade 3, व्यवसायिका को Grade 4 कर्मचारी के रूप में नियमित की जाने की मांग की है। कहा है कि 18,000 रुपए मानदेय सहित 3,000 रुपए पेंशन दी जाए। बीमा का प्रमाण पत्र तत्काल मुहैया कराने के साथ ही गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना में मौत की स्थिति में 5,00,000 का मुआवजा दिया जाए। प्रमोशन में आयु की सीमा समाप्त की जाए। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का खोलना बंद कर दें। आंगनबाड़ी व्यवसायिका का काम स्पष्ट करने, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टी देने की मांग की है। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। आंगनबाड़ी भवन किराया और मानदेय के नाम पर 59,00,000 का घोटाला। होशंगाबाद के महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी द्वारा 59,00,000 रुपए की राशि का अनियमित तरीके से आहरण करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी त्रिपाठी को दिसंबर 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह मामला उनकी भोपाल में पदस्थापना के समय का है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय तथा विभिन्न खरीदी में लगभग 59,83,601 रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद अब कभी भी जिला कार्यक्रम अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड के धनबाद से। आंगनबाड़ी संचालिकाओं ने 6 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया धरना। निरसा प्रखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका व पोषण सखियों ने निरसा प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में निरसा येगारकुंड व कलिया सोल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के महिला सदस्यों ने भाग लिया। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई तो हम लोग जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को बाध्य होंगे। बाद में संघ का एक प्रतिनिधि मंडल वीडियो सह प्रभारी निरसा प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुकेश कुमार बौरी से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्री बस्ती से। 5 फरवरी से कलमबद्ध हड़ताल करेंगी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष माया जायसवाल ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर CM से हुई वार्ता के बाद भी सरकार अपनी घोषणा पर खरी नहीं उतर सकी है। उसको देखते हुए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका कलमबद्ध हड़ताल करेंगी। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के हरदा से। भामस मांगों को लेकर 25 फरवरी को करेगा आंदोलन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी। संघ के जिला मंत्री जितेंद्र सोनी ने बताया, कार्यकर्ता व सहायिकाओं की कई समस्याएं लंबे समय से लंबित है। संगठन ने कई बार ज्ञापन देकर उन्हें हल करने की मांग की है, फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जिला अध्यक्ष अमृत पटेल ने बताया कि अभी एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, फिर भी समस्या हल नहीं हुई तो 7 मार्च को प्रांतीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये
वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इन न्यूज के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।